गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इससे पहले हम जितना भी फंजाई से रिलेटेड थे टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जो फंजाई है वो किस तरह से ह्यूमन बींग्स की लाइफ को अफेक्ट करती है, तो यूजफुल एक्टिविटीज भी है इसके और हार्मफुल एक्टिविटीज भी है। अगर हम यूजफुल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो फंजाई है वो एक फूड की तरह उभर के आई है। फंजाई को फूड की तरह यूज किया जाता है। तो ईस्ट है सबसे कॉमन, ठीक है, जिसको आप कॉमनली खमीर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको यूज किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है, जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करके यूज करता है, उसको फर्मेंट कर देता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, जो आपका डो होता है, जो आटे का डो बनाया जाता है, उसमें जैसे ही ब्रेड बनाई जाती है, ब्रेड में जो पोर्स दिखते हैं, ब्रेड पोरस क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनती है, वो ईस्ट के थ्रू ही बनती है, वहां से वो एस्केप हो जाती है, जिसके थ्रू वहां पे क्या होता है, पोर्स रह जाते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन करती है फूड की, ठीक है, जैसे जलेबी बनाई जाती है, फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन करके ही वो बनाए जाते हैं, जैसे जलेबी बनती है, इडली बनती है, ठीक है। तो इसमें जलेबी में सैक्रोमाइसिस स्पीशीज ही यूज की जाती है और इडली के अंदर टोरोलॉप्सिस यूज की जाती है और एक कैंडिडा है वो भी यूज की जाती है, कैंडिडा, ठीक है। कुछ एक जो हमारी बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, जैसे अगैरिकस है, अगैरिकस मशरूम हम खाते हैं, और मॉर्शेला है, गुच्छी, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ये 2000 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। मॉरल्स हैं, ठीक है, मॉर्शेला मॉरल का ही एक टाइप है। ऐसे ही पफ बॉल्स हैं, और इसके अलावा प्लूरोटस है, बहुत सारी ऐसी फंगस है जिसको हम खा सकते हैं। क्यों खाते हैं इनको, क्योंकि ये प्रोटीन, इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, बहुत ज्यादा विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है। तो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशियस होती है, इसलिए इसको एडिबल कैटेगरी में रखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें बहुत सारी स्पीशीज इसकी मिल जाती हैं तो हमें उगाने की भी जरूरत नहीं है, फंजाई से ही हम अपने पूरी पॉपुलेशन को फीड करवा सकते हैं। एक डिकम्पोजर्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको डिकम्पोज करना बहुत जरूरी है। अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करती है, बेस्ट डिकम्पोजर है ये, ठीक है। मेडिसिन इससे ऑब्टेन की जाती है, बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं, जैसे पेंसिलीन है, पेंसिलीन को पेंसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया जाता है। पहले पेंसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन इसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस थे जिसकी वजह से अब जो पेंसिलीन है वो ऑब्टेन की जाती है पेंसिलियम क्रिसोजेनम से, ठीक है। ये नई स्पीशीज है इसकी जहां जिससे ऑब्टेन करते हैं अब। क्लेविसिन है, क्लेविसिन को एस्परजिलस क्लेवेटस से ऑब्टेन करते हैं। आई होप कि आप समझते होंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम ऑब्टेन करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, ठीक है, वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक है अर्गट, जो अर्गट होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं स्क्लेरोशिया से। स्क्लेरोशिया क्या होते हैं, हार्ड मास होते हैं, किसके, क्लेविसेप्स पल्पिडिया के, वहां से हम अर्गट को ऑब्टेन करते हैं। इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स होते हैं अर्गट में, ठीक है, जिसको हम बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पर यूज करते हैं, मतलब एक मेडिसिन की तरह अर्गट का यूज किया जाता है। एक डेरिवेटिव है अर्गट का, विच इज LSD, लेसर्जिक एसिड डायथैलामेट। ये क्या है, एक हेलुसिनोजन के रूप में यूज किया जाता है। कई बार जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करनी होती है तो उसके लिए भी अर्गट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डिलीवरी उससे इजीली हो जाती है। और हेलुसिनोजन की फॉर्म LSD को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अर्गट है, अर्गट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, क्लेविसेप्स पल्पिडिया से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और LSD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लेसर्जिक एसिड डायथैलामेट,
जो कि क्या है, एक हेलोसिनोजन है। तो इसको भी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, क्लाविसेप्स परप्यूरिया से ऑब्टेन करते हैं। बहुत सारी ऐसी विटामिन हैं जो कि हम जो फंजाई है वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि फंजाई क्या है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन है, ठीक है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फंगस होती है जैसे एश्बिया है, वहां से भी हम विटामिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो फंगस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अल्कोहल मैं बता चुकी हूँ, जैसे बेकरी इंडस्ट्री में भी जो जितनी भी बेवरेज या अल्कोहलिक वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं बेकरी से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे ईस्ट हमने यूज किया, ईस्ट में ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन रिएक्शन यहाँ पे होता है जिसका जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बनता है। अल्कोहल की डिस्टिलेशन करके उसको यूज कर लिया जाता है और इसका बाय प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो एक ईस्ट से यहाँ पर दो दो फायदे हो रहे हैं। यहाँ आप एंजाइम याद रख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड है, गैलिक एसिड है, तो ये एस्परजिलस नाइगर से ऑब्टेन किए जाते हैं। एक प्लांट हॉर्मोन है जिब्रेलिन, ठीक है, जिसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जो एक फंगस है, वहां से ऑब्टेन किया था, ठीक है। तब बाद में हमें पता चला कि एक प्लांट हॉर्मोन है, इसका इस्तेमाल हम क्रॉप करने के लिए, जैसे क्रॉप लगाते हैं तो उनके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी यूजफुल एक्टिविटीज। इसके बाद आती है हार्मफुल एक्टिविटीज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।